डबली रेनफोर्स सेक्शन और डबली रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो कॉपी में नोट कीजिए, पहला, डबली रेनफोर्स सेक्शन इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्यों रिक्वायर्ड है, इसमें पहला कारण लिखेंगे व्हेन डेप्थ लिमिटेशन। ठीक, कई बार क्या होता है, अगर आप सिंगली रेनफोर्स बीम में जाना चाहें तो सिंगली रेनफोर्स बीम में दिक्कत क्या होती है, अगर सिर्फ सिंगली बनाएंगे तो डेप्थ बहुत ज्यादा मिल जाती है। आप मान लो एक क्लासरूम है या एक रूम है, आप वहां पर बैठे हैं और बीम की डेप्थ बिल्कुल इतनी आ रही है आपके सामने, तो वो बीम किसी काम का रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, आपका जो हेडरूम क्लियरेंस है उसको डिस्टर्ब किया। इसलिए जब बीम की डेप्थ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है तो उस केस में यूज करते हैं इसको व्हेन डेप्थ लिमिटेशन। अब यहाँ पर एक करेक्शन और करेंगे, स्टेट एग्जाम में यहाँ पर क्या करता है, कई बार लिखा होता है व्हेन डेप्थ एंड विड्थ लिमिटेशन, तो स्टेट एग्जाम में छत्तीसगढ़ में वो आंसर को लेता है व्हेन डेप्थ एंड विड्थ लिमिटेशन, तो ये दोनों को लेना है आपको। ठीक, इसके बाद सेकेंड पार्ट चलते हैं, इसके बाद अगला पार्ट है आपका और कौन कौन से कारण से आप इसको लिखते हैं, तो अगला कारण यहाँ पर हो जाएगा आपका, सेकेंड पार्ट है फॉर फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बीम बहुत भारी होगा तो गंदा दिखेगा। ठीक, अगला है, ये दो पार्ट तो हो गए, अगला, अगर आपने एक बीम में दोनों साइड रेनफोर्समेंट डाला है, ठीक, अभी मैंने बीम में क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड रेनफोर्समेंट डाला था, ये देखो ऊपर नीचे दोनों साइड डाला हुआ है, तो अगर मैंने बीम में दोनों साइड रेनफोर्समेंट डाला है तो उस केस में ये क्या करेगा आपका, बर्स्टिंग फोर्स, ठीक, स्ट्रेस रिवर्सल, ये दोनों को क्या करेगा, कैटर कर लेगा। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंस था, और इसमें याद रखेंगे डबली रेनफोर्स सेक्शन में आपका रेनफोर्समेंट किस साइड दिया जाता है, तो आंसर आएगा टेंशन साइड में तो देते हैं एज वेल एज इन कंप्रेशन साइड, ये दोनों साइड पे आपका रेनफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका रेनफोर्समेंट वाला पार्ट। अब चलते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस कैसे करना, तो डबली रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस देखते हैं यहाँ पर। ठीक, डबली रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस, डबली रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस देखते हैं यहाँ पर। ठीक, इसमें सबसे पहले हमको ये बनाना है कि डबली रेनफोर्स सेक्शन जो है वो एक्चुअल में दिखेगा कैसा, तो ये कैसा दिखेगा, इसको बनाया कैसे। ठीक, ये बेसिकली एक सिंगली रेनफोर्स सेक्शन ही था, बट ज्यादा लोड आने के कारण मैंने इसमें ऐड क्या किया, कंप्रेशन साइड पे रेनफोर्समेंट। तो पहले मैं बनाती हूँ एक सिंगली रेनफोर्स सेक्शन और इसमें कुछ करूंगी ऐड किया। ठीक, ये ऐड किया, यहां पर ऐड किया, तो सिर्फ ऐड कंप्रेशन साइड में नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाए, तो ऐड कंप्रेशन और टेंशन दोनों साइड में करें। अब जब ये दोनों को आप मिला लोगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा, ये सेक्शन हो जाएगा कंबाइंड सेक्शन, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये डबली रेनफोर्स सेक्शन। तो ये सिंगली ही था, उसमें कुछ ऐड करने से क्या मिलता है, डबली रेनफोर्स सेक्शन। आप देखो इसका एनालिसिस भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक, जब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था तो इसका कंप्रेशन में स्ट्रेस एनालिसिस अभी यहां पर लिख देती हूं, स्ट्रेस एनालिसिस। ठीक, इसका स्ट्रेस एनालिसिस यहीं पर लिख रहे हैं, डायग्राम के नीचे में बनाएंगे तो हमको ज्यादा इजी पड़ेगा। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था तो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू याद करो कितना निकाला था हमने, 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी। ठीक है, इतना निकाला था। अब कुछ ऐड किया मतलब कंप्रेशन में भी कुछ ऐड हो रहा है। ठीक, क्योंकि पहले कंप्रेशन में सिर्फ कॉन्क्रीट था, अब कंप्रेशन में क्या है आपका, स्टील। तो यहां पर जो ऐड होगा उसको लिखते हैं सी ए, एडिंग, एडिशन किसमें आया, कंप्रेशन। तो अब इस कंप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका एफ एस सी, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, -0.45 एफ सी के मल्टीप्लाइड बाई ए एस सी। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला कैसे, तो इस फॉर्मूले में देखो आपका ध्यान दें, एफ एस सी है स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, ये क्या है,
स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन साइड में जो स्टील है उसका स्ट्रेस। अब इसमें ये माइनस क्यों किया, तो सीधी सी बात है, पहले जब सिंगली था तो ये वाला पूरा जगह क्या था आपका, कंक्रीट से भरा हुआ था। ठीक, जब ये सिंगली था तो ये वाला कंप्लीट पार्ट आपका कंक्रीट से भरा था। ठीक, बट जब इसमें आपने डबली किया तो इस कंक्रीट को निकाला, यानी कंक्रीट की जगह खाली किया, और किसको डाला यहाँ पर अपने, ये रेनफोर्समेंट को डाला, तो कंक्रीट को निकाला। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.45 FC की, आपको निकाल के बताया था सिंगलिंग, इसको निकाला यानी वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, माइनस, और किसको ऐड किया, तो ऐड किसको किया, स्टील को, और कितनी जगह बनाया, तो उतनी जगह बनाया जितनी इस कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की जगह थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो एसी इज एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वाला कई बार ये फॉर्मूला इंटरव्यू में पूछ लेता है एग्जामिनर कि क्यों माइनस कर रहे हो, तो आप उनको बताओगे कि जब वहां पर कंक्रीट नहीं है, कंक्रीट की जगह पे हमने लगाया स्टील, तो जगह बनाने की जरूरत पड़ी, तो जगह बनाना यानी कुछ निकालना और कुछ ऐड करना, तो निकालेंगे कंक्रीट और ऐड करेंगे स्टील, और कितना एरिया निकालेंगे, जितना मेरे को स्टील वहां पर लगा। तो ये था सिंगली रेनफोर्स्ड का पार्ट, ये था ऐड करने का पार्ट, तो अब आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन का टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.36 FC के XU into B, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका FSC माइनस 0.45 FC के ASC, तो ये हो गया टोटल कंप्रेशन की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, टोटल कंप्रेशन की। अब चलते हैं हम टेंशन की बात, ठीक, तो अब चलते हैं इसमें टेंशन की बात करते हैं, तो डायग्राम को मैं इतना ही ले रही हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर लिखते बने, ठीक। आप देखो टेंशन की बात, जब टेंशन की बात किया तो आपका यहाँ पर टेंशन कौन ले रहा था, सिंगली में रेनफोर्समेंट ले रहा था, तो टेंशन की वैल्यू कितनी थी याद करो, 0.87 FYAST, ये था टेंशन की वैल्यू। सपोज यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्टील है मैंने इसको AST1 लिया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, AST1। अब जब आपने कुछ ऐड किया था कंप्रेशन साइड में, तो उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन साइड भी रेनफोर्समेंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़े, क्योंकि बैलेंस कौन करता है, कंप्रेशन को टेंशन, पहले कंक्रीट को स्टील बैलेंस कर रहा था, अब स्टील को बैलेंस करना है, स्टील कंप्रेशन और स्टील टेंशन को ही बैलेंस कर, तो सपोज इस स्टील की वैल्यू है AST2, तो यहां पर आपको मिलेगा टेंशन की वैल्यू हो जाएगी सी, इसको ए लिया तो इसको लेते हैं TA, तो ये हो जाएगा 0.87 FYAST2, और जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको ये वैल्यू मिलेगी T = ये वैल्यू हो जाएगी T = टोटल टी, या टी ले लेते हैं आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन का TD = 0.87 FYAST1 प्लस 0.87 FYAST2, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दोगे मैंने इसको दो पार्ट में आपको क्यों समझाया, दो पार्ट में इसलिए समझाया कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब सिंगली था तो डबली क्यों लगाई, क्यों लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही थी, और कंप्रेसिव फोर्स को आपका बैलेंस कर रहा था टेंसाइल फोर्स, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको दो पार्ट में एनालिसिस किया, ठीक। अब ये दो पार्ट एनालिसिस हो गया, अब इसमें अगला पार्ट नोट कीजिए कॉपी में, ठीक, अगला पार्ट नोट करेंगे कॉपी में आपका MU निकालने का तरीका, ठीक, यहाँ पर मैं निकालती हूँ MU निकालने का तरीका, ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पर, नोट कीजिए कॉपी में MU, ठीक। अब ये MU क्या था याद करो, जब सिंगली रेनफोर्स था तो कंप्रेशन साइड इनटू लीवर आर्म कर देते थे, या टेंशन साइड इनटू लीवर आर्म कर देते थे। अब इसमें कैसे करें, तो इसमें करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक, इसमें करने के लिए यहाँ पर देखते हैं आपका ये वाले पार्ट को, ठीक, इस वाले पार्ट में जाते हैं वापस, ये वाले पार्ट को देखो, ये जो डायग्राम बनाए हैं इसमें डिस्टेंसेस को देखते हैं, ठीक।
इस पार्ट में जब कंप्रेशन टेंशन था तो लीवर आर्म की वैल्यू कितनी थी, याद करो कितना आया था आपका, d माइनस 0.4।